मनुष्य। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मेरा कमरा है, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल के तो देखे। अम्मा बात समझने की कोशिश कर, दामाद जी और मीत किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते। मैंने अपनी जुबान खराब करके आपके कहने पर इसे यहाँ रहने दिया, बस दो चार दिन के लिए कह रही हूँ इसे यहाँ से हटाने के लिए। नहीं जाऊंगी, तू चुप कर, बात मान जा, हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, बात मान जा, इसे जाने को कह। यो के बात हुई, दो चार दिन के लिए भी मेरी छोरी तकलीफ क्यों सहेगी, बोल। मम्मी, ये भगवान आ गई आफत। माता रानी, अब क्या करें, अब तो कोई रास्ता भी ना इसे यहाँ से निकालने का। अच्छा ठीक है, रह ले यहाँ। थैंक यू मम्मी। लेकिन अम्मा ये जब तक ये लोग यहाँ है ना, स्टोर रूम में रहेगी। मैं कुछ चूहिया हूँ क्या जो मैं स्टोर रूम में रहूंगी? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बता दे रही हूँ, मैं इसी कमरे में रहूंगी, यही रहूंगी, बस कह दिया तो कह दिया। अरे सच में, अब भागने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। मम्मी, मम्मी, रे मम्मी, दादी, कितने चले गए सब? सुन, तू नहीं यहीं रुक, मैं ऊपर देख कर आती। सॉरी आंटी जी, वो मैंने आप लोगों की बातें सुन ली, मैं समझ गया जो आप कहना चाह रही हैं। मैं मानुषी जी को समझाता हूँ। मानुषी जी एक मिनट आइए ना मेरे साथ। आइए ना प्लीज। अरे क्या बेवकूफी कर रही हो, बाहर तुम्हारी वो गुंडी बहन नीत है, और अगर उसने कहीं मुझे देख लिया तो तुम्हारी फैमिली को बता देगी कि मैं पार नहीं पुना लूं, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, रायता फैल जाएगा, समझा करो। इसलिए अभी तुम्हारी मॉम जो कह रही है ना, हमें वही करना चाहिए, इसी में हम दोनों की भलाई है, समझे? चलो मानुषी जी, चलो 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 मानुषी जी। हेलो, क्या कर रही है? अरे छोरी के फोन उसे छोरे में रखना ठीक है कि? अम्मा मने भी ठीक नहीं लग रहा इन दोनों को ऐसे अकेले यहाँ एक साथ, लेकिन क्या कर रहे हैं, इस घर में और कोई कमरा भी तो ना है दोनों को अलग से छुपाने के लिए, और फिर हमारे पास समय भी तो ना है। मम्मी, दादी, वो तो आ रही है। कोई ना कोई ना, मैंने अपने भगवान पे बहुत भरोसा है, मनुष्य बहुत समझदार है, संभाल लेगी। चल चल, मनुष्य अपना ध्यान रखना। अरे अरे चलिए, आवाज नहीं बिल्कुल, कैसे रहेंगे हम यहाँ पे? मम्मी, क्या कर रही है, कितनी देर से आवाज दे रही हूँ मैं? ताला वो रूम में कब से ताला लगाने लग गई? बंदर है, बहुत दिनों से आतंक बचा रखा है इसलिए बंद कर रही है। ला मन्ने दे, अरे इतनी सी बात है, ला दे, अरे छोड़ दू, यहाँ भी पका क्या ऐसे कैसे? मम्मी, यू के गेहूं के गेहूं की बोरी फटी हुई है। अरे यो तो बंदरों को ही काम होगा, तो बदल देती ना, मैं ठीक करती हूँ। सारे काम आज ही कर लेगी, चल नीचे दामाद बुला रहे। मैं कैसी बातें कर रही होगी, गेहूं फैले जा रहे, मैं कर दूँ। अरे रुक माँ, ना सुनने वाली, पूरे गेहूं फैल जाएंगे।
बाद में ना सिल भी दूंगी। इब तो चल। प्यारी मम्मी। ना 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 ना, मेरे तो दूर है। मेरी प्यारी सेनोरिटा। बेटा बेटा चलना, नीचे चलना, वो अकेले अकेले है नीचे। चल बाकी सब बात ताला तो दे दे। अच्छा इंतजार कर रहे होंगे दामा जी। इंतजार तू चल जल्दी चल। दो मिनट इंतजार कर लेगा तो घुल ना जाएगा। कुणाल के बड़े से बंगलों में रहने वाली थी और कहा मैं इस कबाड़ खाने में बंद हो गई हूँ। मन्ने ना पता है कि तू यो सब ना खाता, बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूं। सुनिए, खाना खाना होता है और मुझे ऐसा खाना बहुत पसंद है। खाइए जी। जी आप जाइए। अरे क्या कर रहा है? क्या हो गया? क्या हुआ? वो बाप बाप से रुक, मैं बर्फ है ना घर में। गरम गरम पूड़ी में कोई ऐसे हाथ डालता है के? वाओ बेबी, खाना तो बहुत टेस्टी है। मेरा तो और पूरिया खाने का मन हो रहा है। हाँ तो मेरी पूरिया भी तुम ही खा लो। हाँ। क्या हुआ? बेबी तुम्हारे पीछे कॉकरोच है, कॉकरोच। अरे मनुष्य! मन्नू जी, जी मैं कितने जा रही है? दामा जी को खाना परोस रही थी ना माँ। दादी ने बोला कि तू अपनी दादी की बात पर ध्यान ना दे। अरे वो बंदर आ गए होंगे फिर से स्टोर रूम में। उसका नाम क्यों लिया है? और वैसे भी तेरी दादी है ना, हर खटखटाहट आजकल उन्हें मन्नू ही लगती है। जब से वो गई है ना, एक दिन ऐसा ना किया होगा जो उसे याद ना किया हो। पर तू ये सब छोड़, तू चल चल खाना खा। आ यहां बैठ, आ जा। मैं तने भी परोस दूं। बैठ जा बेटा, बैठो। अपने डैड को कॉल करो और उन्हें बोलो कि हम अपने ससुराल आ रहे हैं और हमारे लिए ना एक लंबी सी गाड़ी भेजें और हमारे वेलकम की तैयारी करें। बस बोलो। इसे क्या बताऊं, कम से कम इसके पास भाग के लौटने के लिए एक घर तो था, मेरे पास तो छुपने की भी जगह नहीं। अरे बहुत बुरा फंसा है इस लड़की ने, बट कोई नहीं, ये टाइम ही निकल जाएगा, उसके बाद तो इसे पीछा छुड़ा ही लूंगा। हाँ चल कुणाल। समझ गया, आज मैं सब समझ गया। ये जो तुम्हारा प्यार है ना, ये सब एक दिखावा है। तुम्हें तो मुझसे प्यार है ही नहीं, तुम्हें तो मेरी फैमिली के पैसों और ऐशो आराम से प्यार है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें तो बस एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, मैं नहीं, है ना? नो 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 कुणाल, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो अपने बेबी के बारे में? देखो अगर मुझे तुमसे प्यार ना होता तो मैं क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ भागती? क्या सोचो जरा। और
मैं अपने बेबी को इस हाल में नहीं देख पा रही हूँ कुणाल। आफ्टर ऑल तुम मेरे हबी हो ना, और देखो वाइफ की इज्जत हस्बैंड के हाथ में होती है और हस्बैंड की इज्जत वाइफ के हाथ में होती है, इसीलिए बेबी। यस बेबी यस। ओह मम्मी है। अरे इतनी गर्मी है मम्मी। थोड़ी देर में मीत और दामाद जी सत्यनारायण पूजा के लिए बैठने वाले, तब पार्थ अपने घर के लिए रवाना, मतलब मुंबई के लिए निकल जाएंगे। क्यों डैड? मेरा मतलब पार्थ क्यों जाएंगे मम्मी? क्यों जाएंगे मतलब क्यों ना जाएंगे? अरे तुझे छोड़ने आए थे यहाँ, सही सलामत तुझे यहाँ पहुंचा दिया, इनके आभारी हैं हम। ये इनके घर परिवार वाले इनका इंतजार ना कर रहे होंगे, कर रहे होंगे कि नहीं? जी कर रहे होंगे। तो फिर अब चिंता ना करें, मौका मिलते ही थोड़ी देर में आपके यहाँ से निकलने का इंतजाम कर दूंगी, ठीक है? बिल्कुल आवाज नहीं। अरे घर वालों का तो पता नहीं, लेकिन बाहर निकलते ही वो बदमाश मुझे कूटने की राह जरूर देख रहे होंगे। आज अपनी मीत का अपने मीत से क्रिकेट मैच है, यानी सावाद की छोड़ी घिरेगी चंडीगढ़ के गबड़ू से। तालियां। जीत तो अपनी मीत की होगी। मिसेज मीत अलावत, डर गई क्या? कहाँ चुप के बैठ गई हो? कहीं दुम दबा के घर में तो नहीं बैठ गई? बिजली हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, कड़के बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल, ढूंढे हौसले पगला गए हैं हौसले, गिर जाए या उड़े अब टूटे या जुड़े परवाह नहीं। पूरे मोहल्ले को अपने साथ लेकर आई हो? नहीं 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 नहीं, वेरी गुड, अच्छा है, गलतफहमी दूर हो जाएगी ना कि कौन बेहतर प्लेयर है, कौन बढ़िया खेलता है। और हाँ, तुम अपना नाम बदलने के लिए तैयार हो जाओ, शाबाब की मीत से फिसड्डी मीत बुलाएंगे लोग। लगता है पूरे मोहल्ले के सामने ना अपनी इज्जत गंवाने के लिए तू पूरा मन बना के आया है। हाँ मन तो मैं बनाकर आया हूँ, लेकिन मन बना के आया हूँ जीतने का, हारने का नहीं। और सुनो तुम्हें ना, तुम्हें अभी भी वक्त है, घर चली जाओ, वरना शाम को जब तुम मैच हार के लौटोगी खामखा रोती रोती घर जाओगी, बुरा लगेगा ना। वो तो देख लेंगे ना कि रोएगा कौन और रुलाएगा कौन। अच्छा लड़के ना रोते नहीं। ले ये बात होने के पता कि वो चोरे की आग तैयार है कि चोरी की आग तैयार है। और वैसे भी दामाद जी जब ससुराल में आके हारेंगे तो रोना तो आ ही जाएगा, है ना? वो अपने आप को तसल्ली दे रही हो ना? ना तन्ने हमदर्दी दे रही हूँ, पर ना तू ये बात समझेगा ना, तो अब तू देखते जा कि वो छोरी तन्ने कैसे रुलाती है। अच्छा देख लेते हैं, जब मैं मैच जीतूंगा तो मैं बन जाऊंगा विनर, तुम बन जाओगी लूजर, लूजर, लूजर। देख लेंगे मैच में कि कौन बनता है विनर और कौन लूजर। विनर लूजर लूजर लूजर। अरे देख लेंगे लूजर। अरे चार लूजर। क्या हुआ, हार मान ली के? Thank you.
आगे कुआं पीछे खाई, कहां जाऊं समझ नहीं आ रहा है मेरे भाई। आगे बढ़ा तो वो गुंडे और पीछे चलूं तो दो दो मीत। कमाल है दामाद जी। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? हैं क्या कर दिया मैंने? क्या क्या मैदान में आईनी चीटिंग करनी शुरू कर दी, प्लेयर को इंजर्ड करना चाहती हो? ऐसे जीतोगी तुम? ओए इतना भी कोई इंजर्ड ना हुआ तू जो एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाए। तू सच्ची बता, बहाने ले रहा है ना? तू बहाने ले रहा है ना? तभी बच्चों की तरह झगड़ा कर रहा है ताकि मैच विड्रॉ हो जाए। ठीक है ना, ठीक है, अभी खेल कर देख लेते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। जीत तो मैं ही रहा हूँ। हाँ डर तो तू ही रहा है। देखते हैं। हाँ देखते हैं। चीटर तू, चीटर ए जल्दी ला। कौन सा आउट? ना बॉल मेरे बैट से लगी है, ना बॉल मेरी विकेट से लगी है। कैसे आउट है? रे आउट है गनी मॉल लेकिन क्रिकेट में कि थर्ड अंपायर लाओ तब मानेगा। थर्ड अंपायर लाओ लेकिन सही फैसला दो। बुलाओ थर्ड अंपायर। कहां है थर्ड अंपायर? ताई बता आउट है ना? हां ताई बताओ आउट है कि नहीं है? बताती हूं बताती हूं। बताएगी? बताएंगी। हां नॉट आउट। नॉट आउट नॉट आउट नॉट आउट। मेहरबान हो रही है तई दिमाग पे। हां ठीक है बॉलिंग करो। चलो हमारी विराट कोहली दिखा दे कमाल अपना। अरे क्या हुआ? आप मैदान में बुलाकर मैदान से भाग रही हो क्या? डर गई क्या? अरे अभी भी वक्त है, हार मान जाओ। तुम्हें पता है तुम मुझे हरा नहीं सकती। तेरी तो आज इन मोहल्ले के बच्चों को कच्चा चबा जाऊंगा। अभी बताता हूं मैं। सुनो मैं ये फूलों वाले बिस्तर पे नहीं सो सकता, कुछ करो ना। हाँ हाँ पता है। और तू सोच रहा होगा कि वो मतलब यहाँ पे वो बीच में पर्दा लगाने की जरूरत ना है। यो दोनों ना अलग हो जाते हैं। मैं कर देती हूँ। ये क्या है? दौड़ो राम ने कैसे बताऊं? पड़ोस वाली औरतों की शरारत है। नए दूल्हा दुल्हन के साथ ऐसा करते हैं ताकि सुबह रिश्ते की मजबूती न नाप सके। वो मन ने जब रात में नींद ना आती तो बोर होता है तो मैं ये फोड़ने लगती हूँ। टाइम पास हो जाता है। आप एक बात जानती हैं आप कितनी बड़ी साइको है? चलो जल्दी से ये दोनों बेड सेपरेट करो। महीनों बाद मैं चैन की नींद लेने वाला बिना अपना बेड शेयर किए किसी के भी साथ आराम से सुकून की नींद सोने। जल्दी करो। बबल्स को फोड़ना होगा पर औरतें बातें करेंगी कि हमारे बीच कुछ सही ना है, रिश्ता दिखावटी है। मैं थोड़ी देर बाद इसे फोड़ के सो जाऊंगी।
के चल गुमसुम तराने चुपके चुपके गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया लाइफ तो बड़ी नॉर्मल लग रही है। हंस खेल रहे थे, वो हंस फूट रहे हैं। इस मीठूटा की लाइफ अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये लड़की इतनी लकी कैसे हो गई? मैं कपड़े बदल लेती हूँ। कल का दिन है मेरे पास, मुझे किसी भी हाल में मानुषी के बारे में पता लगा के जाना। अरे बाप रे, अगर मैं इन दोनों मीत के सामने आ गई तो ये मीत अलावा तो मुझे ही मार डालेगा। अरे रे, क्या करूँ क्या करूँ? चुपके चुपके मम्मी के फोन थे, मन्नू दीदी ने मैसेज कर रहे। क्यों तरीका निकाला है मन्नू दीदी तक पहुंचने का? बता। हेलो, मीत कह रही थी कि वो पगफेरी की रस्म निभाने के लिए अपने मायके जाने लगा। मैं साथ में चला जाता हूँ पगफेरी की रस्म करवाने। तो वो यहाँ इसलिए आया था? यो तरीका सूझा तन्ने? हाँ, और इसीलिए लाया था तुम्हें यहाँ पे पगफेरे की रस्म करवाना, क्योंकि तुम और तुम्हारा परिवार मुझे मानुषी के बारे में कुछ नहीं बता रहा। तुम असल में जानती हो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ना मेरे मन में कई सवाल हैं जिसके जवाब मानुषी को देने होंगे, क्योंकि अगर मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिले ना तो उन्ही सवालों की आग में मेरा मन जलता रहेगा, मुझे तकलीफ होती रहेगी, मैं परेशान होता रहूंगा। इसीलिए मानुषी का मेरे सामने आना बहुत जरूरी, मानुषी का उन सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है, और जब तक मुझे मानुषी उन सवालों के जवाब नहीं दे देती ना, मैं नहीं मानने वाला। जानती हूँ मैं कि तेरा दीदी ते मिलना कितना जरूरी है, समझती हूँ, पर यो तो गलत है ना। तू दामाद है इस घर का, एक इज्जत है तेरी, हर जगह की अपनी एक मर्यादा होती है जिसे पार ना करना चाहिए। तन्ने दीदी तक पहुंचना था ना, तो तू बोलता मन्ने कि मैं तेरे मायके चल रहा हूँ तेरी बहन का पता लगाने। यूं पग फेरे का नाम लेके झूठ बोलने की जरूरत ना थी। अरे तन्ने, ऐसे तड़पने की झूठ बोलने की जरूरत ही ना है। मैं तो खुद ही इस चक्कर में लगी थी कि कैसे मिलवा दूं तन्ने मन्नू दीदी थे। एक बार सोच लेता, अगर मम्मी यो देख लेती तो कितनी ठेस पहुंचती उनके दिल को। तो इतने अच्छे घर का लड़का है, तन्ने ऐसी हरकत करते देख मन ने इतना बुरा लग रहा है, तो तन्ने तो और ध्यान देना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सोच के देख, कोई भी देख लेता तो तू क्या सोचता तेरे बारे में? भाड़ में गई तुम, और भाड़ में गए वो सब जो इस बारे में कुछ भी सोचते हो।
मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या शादी वाले दिन मंडप से भागने से पहले तुम्हारी बहन ने एक बार भी सोचा? क्या तुमने उसी मंडप में उसकी जगह लेने से पहले एक बार भी सोचा? तो फिर मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं, क्यों किसी की परवाह करूं? धीरे 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 बात कर, देख मम्मी और दादी नीचे ही है, उन्हें पता चल जाएगा हमारे रिश्ते के बारे। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो? ये कोई रिश्ता नहीं है, एक बंधन है जिससे मैं घुट रहा हूँ, जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, तुम समझो इस बात को। सुन मेरी बात। तुम मेरी बात सुनो, धोखा देना, झूठ बोलना, दिखावा करना, ये तुम बहनों की आदत है, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझी ना, जो ये झूठा नाटक खींचता चला जाऊं, और इसके बाद मेरी बला से अगर तुम्हारे परिवार को पता लगता है कि इस रिश्ते की असलियत क्या है, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, तो पता लगे, कम से कम हमें ढोंग तो और नहीं करना पड़ेगा ना। घुटन होती है मुझे इस बंधन से, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे बंधन, नहीं बर्दाश्त होती तुम। नहीं मानता हूं मैं तुम्हें अपनी पत्नी, नहीं मानती है मेरी मां तुम्हें अपनी बहू। हम पर जबरदस्ती थोपा हुआ एक फैसला होता हूं, और इस सच को ना तुम बदल सकती हो ना कोई और। मैंने आज तक ना तुम्हें अपनी पत्नी की जगह दी है, ना कोई दर्जा दिया है, और ना ही आने वाले कल में कभी तुम्हें अपनी पत्नी की जगह या दर्जा दूंगा, समझी तुम? समझी तुम? बहुत समझदार बनती हो ना तुम, सबके दिल की बात जानती हो, तो एक एहसान करना हम सब पर, आइंदा उस घर में कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। रब्बा तू हया रूठी परछाइयां, जाने पैसे कब देगा? बता। हाँ? बोल। हाँ? पैसे कब देगा? बाजी, मुझे मारने से तुम्हारी भड़ास ही निकलेगी, लेकिन बदला नहीं पूरा होगा। मतलब मुझे खबर लग गई है कि पुलिस को तुम्हारे ड्रग्स के पैकेट की इन्फॉर्मेशन किसने दी? कौन है वो? आबाद की उस्ताद मीत हुडा। ये लड़की? अरे पाजी, इसके लड़की होने पे मत जाइए, बहुत ही खतरनाक है ये। और तेरी बात पर हम भरोसा क्यों करें? हाँ ठीक है, अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछ लो, अभी सब सच पता चल जाएगा। इस लड़की ने हमारा लाखों का नुकसान कराया है, ये पैसे तो मैं वसूलूंगा ही, साथ ही इसका वो हाल करूंगा कि दोबारा अपने टांगों पर खड़ी नहीं हो सके। कहाँ मिलेगी हमें ये? पाजी, अभी अपने पति के साथ कार में निकली है, शाहबाद टू चंडीगढ़ हाईवे पर होगी अभी इसकी कार, और गाड़ी का नंबर है CHNH
1422। और पाजी, इस लड़की को ऐसा सबक सिखाना कि जिंदगी भर याद रखे। बहुत नुकसान करा है आप लोगों का। अगर अब आएगा मजा, जब उस गुंडी को मिलेगी सजा। अपने आप में अंदर से शांत कर, धैर्य से काम ले। हम पहली औरतें ना हैं जो शादी का कर्तव्य निभाने के लिए किसी भी हद तक जाएं। इतिहास गवाह है कि जरूरत पड़ने पे औरतें क्या कुछ ना कर गई। काशीबाई ने ले लो, पति जंग में शांतिपूर्व ध्यान दे सके, इसलिए काशीबाई उनकी ढाल बनी। साम्राज्य के अंदर जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं थी, खुद उसे संभाला। जैसे काशीबाई अपने पति की हिम्मत बनी, वैसे तुझे भी अपने उस पति जिसके अंदर अपने मन में हलचल चल रही है उससे ना घबराते हुए उनकी हिम्मत बनना है बेटा। नहीं है, पता तेरी बीवी कहां है? ओ, तो उस गुंडी के पहचानने वाले। जैसे बाजीराव का सौभाग्य काशीबाई है, वैसे ही अलावत का सौभाग्य मीत है। इसीलिए तो राजवर्धन भाई साहब ने तुझ पर यकीन करके तुझे उस घर की बहू बनाया कि तू इस रिश्ते ने निभाएगी। एक चीज याद रखना बेटा, अगर कोशिश सच्ची हो और नियत अच्छी, तो सारे अंधेरे एक ना एक दिन दूर हो जाते हैं। उससे काम है तो उससे जाके बात करना, मेरे रास्ते से हट। ए, दादा हीरो नहीं बनने का। बाहर निकल। तो तू ऐसा नहीं बताएगा, तेरी बीवी ने हमारा ड्रग्स का पैकेट पुलिस के हवाले करके हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और इस गलती के लिए ना हम सब उसे नहीं छोड़ने वाले, समझा? नीत अलावत, मैं आपको ड्रग्स रखने के आरोप में अरेस्ट कर रहा हूँ। वो ड्रग्स का पैकेट इनका था तो वो मेरी कार में कैसे पहुंचा?
वो राजा किधर है? वो फोन लगा और पता कर कहाँ है वो, और यहाँ बुलाओ उसे अभी के अभी। उससे बात कर, तो पहले थोड़ी बात मुझसे कर लेते हैं।